तो दोस्तों हम लोग इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग विवेक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक। सफर काफी कमाल का था और पार्ट वन में आप लोगों ने कन्याकुमारी से खुर्दा रोड तक के सफर को देखा। हाँ, वैसे उससे पहले चिल्का झील, जो कि भारत की एक खारे पानी वाली झील है, जो कि इस दिसंबर से जून तक खारे पानी की रहती है और उसके बाद बाकी सीजन में मीठे पानी की झील हो जाती है, ये एक खूबसूरत सी झील है जिसे अभी हम लोग पार कर रहे हैं। 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी ये झील बेहद ही खूबसूरत है। ओडिशा में स्थित विशेष पर्यटक स्थलों में से एक है ये झील। और वैसे यहाँ पे हमारी खूबसूरत सी सुबह हुई थी और आज के इस सफर में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। खुर्दा रोड भुवनेश्वर होते हुए हम लोग बढ़ेंगे खड़गपुर की ओर, जहाँ बहुत सारी खाने पीने की चीजें सस्ती से लेकर महंगी तक हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और उसके बाद दांकुनी होते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे मालदा टाउन की ओर, जहाँ पे हम लोग डिनर का रिव्यू करेंगे। और कुल मिलाकर इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इतनी लंबी जर्नी में खाने पीने की चीजों से एडजस्ट किया और अपने सफर को पूरा किया, और कैसे हम लोगों ने पानी की अरेंजमेंट की, और बहुत सारी चीजें जो आपको इस जर्नी के दौरान काम आ सकती हैं वो चीजें आप सीखेंगे हमारे साथ। और ऐसे ही भारत के खूबसूरत राज्यों को कवर करते हुए बांग्लादेश बॉर्डर के करीब से, बिल्कुल ही करीब से गुजरते हुए हम लोग इस सफर को आज तय करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने डे 3 की शुरुआत होती है खुर्दा रोड जंक्शन से, और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे अपना अराइवल टाइम 6 बजे का था और हमारी ट्रेन यहाँ पे 6:40 पहुँची और लगभग 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है क्योंकि ट्रेन की साफ़ सफाई यहाँ की जा रही है। जिन लोग को जगन्नाथ मंदिर जाना है, जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने, आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा क्योंकि वो रूट यहीं से गया हुआ है। बलांगीर के लिए भी नई लाइन का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से चल रहा है, जब कभी फ्यूचर में इनॉग्रेशन होगा तो हमारी मुलाकात वहाँ पर भी होगी। बाकी ओवरऑल बता दूं यहाँ तक का जो सफ़र था ना इस ट्रेन में काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी मज़ा आया। अभी भी हमारी लगभग 40 आवर्स की जर्नी इस ट्रेन में बची हुई है। कल रात 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे डिब्रूगढ़ और आज का पूरा दिन स्पेशल होने वाला है। खाने पीने को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भूख तो नहीं लगी इतनी सुबह सुबह, तो भुवनेश्वर से शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है और हमारी कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाली इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग विवेक एक्सप्रेस में ये जर्नी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मिलता हूँ आप लोगों से जब हमारा खुर्दा रोड से डिपार्चर होगा। के लंबे हॉल्ट के बाद हम लोग चल रहे हैं खुर्दा रोड से, और वैसे आप लोगों को बता दूं सामने कामाख्या पुरी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पुरी की लाइन गई है, तो इसे देखिए यहाँ पे ट्रेन भी मौके पे मिली गई है अपने को निकलते निकलते। सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी भुवनेश्वर, लॉर्ड लिंगराज का यहाँ पे मंदिर है। और अपनी ट्रेन यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ पहुँची है, 6:40 का हमारा अराइवल टाइम था, 7:25 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट में आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इडली वड़ा मिल जाएगा। सारा पूरी सब्जी का भी यहाँ पे अच्छा खासा चलन है, लोग प्रेफर करते हैं पूरी सब्जी। और यहाँ हमारे पीछे खड़ी है विशाखापट्टनम अमृतसर एक्सप्रेस। अगर आप लोग कभी हमारी विवेक एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यहाँ आते आते अब आपका मन करेगा कि नहा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि कैसे भी करके नहाने का इंतजाम किया जाए। मैं भी भैया से बात कर ही रहा था जो हमारी ट्रेन में ऑनबोर्ड है, मैंने कहा भाई अगर कुछ जुगाड़ हो बाल्टी वगैरह का तो करवा दो, कम से कम नहा तो लिया जाए एक बार, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी और ऐसे तो नहीं कट पाएगी। बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ से पिक की जाएँ और उसके बाद आपको ट्रेन के अंदर रिव्यू करके दिखाते हैं कि भाई टेस्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना हॉल्ट है 5 मिनट का है। भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी कहा जाता है क्योंकि उड़ीसा की राजधानी में आपको एक अच्छा खासा बुक स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आप वैरायटी की बुक्स को पढ़ सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए तो वो भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आपको आसानी से मिल जाएंगे। स्नैक्स के बहुत सारे स्टॉल हैं जहाँ पे आपको यहाँ का लोकल स्टॉल वगैरह भी मिलेगा। यहाँ अपनी ट्रेन खड़ी हुई है और यहाँ पे आपको स्नैक्स के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाएंगे।
एक्सप्रेस की तैयारी के पीछे ये सभी चीज़ें भी थी, तो हम लोगों ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। जर्नी होती ना, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उसके लिए, और हम लोगों ने इसलिए ड्राई फ्रूट्स कैरी किए थे क्योंकि क्या पता क्या चीज़ मिले ना मिले। बाकी फ्रेशअप भी हो चुके हैं ट्रेन में ही, और आपको भी लगी रहा होगा गेटअप थोड़ा लुक भी चेंज कर लिया क्योंकि सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, इसके लिए फ्रेश दिखना और फ्रेशली इस जर्नी को इन्जॉय करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसका हम लोग सेवन करते हैं, आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी खड़गपुर जंक्शन में। विवेक एक्सप्रेस भद्रक और बालासोर रेलवे स्टेशन में रुकी, उसके बाद अभी हम लोग आके बेल्डा रेलवे स्टेशन रुके हैं जहाँ पे धौली एक्सप्रेस से क्रॉसिंग वगैरह भी होगी, उसके बाद शायद राजधानी भी देखने को मिले। लेकिन गर्मी जो है ना बहुत ही भयंकर अचानक से इस सेक्शन में हो चुकी है, मतलब कोच से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी। और मैंने कपड़े चेंज किए और ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए, अब अफसोस हो रहा है थोड़ा। लेकिन हाँ, थोड़े समय में खड़गपुर भी पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा डिले बचा नहीं है, 15-20 मिनट की डिले है हमारी गाड़ी के खड़गपुर पहुँचने में। आपको खड़गपुर दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इंडिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको खड़गपुर में देखने को मिलेगा। बाकी ये स्टेशन भी देखिए कितना खूबसूरत बनाया, पेड़ों से घिरा हुआ। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से जब यहाँ से अपनी गाड़ी छूटेगी। शालीमार पुरी धौली एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी वाया आगरा। तो अभी हमारी गाड़ी उड़ीसा बंगाल में चल रही है, मतलब वैसे तो बंगाल एंटर कर चुके हैं उड़ीसा से, लेकिन यहाँ पे मीठा दही आज गया, इसे यहाँ मिष्टी दही कहा जाता है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बहुत ही लाइट शुगर एंड स्वाद बहुत ही बढ़िया, और ये 20 रुपये का पड़ा है, प्रगति ब्रांड का, तो आप लोग के लिए रिकमेंडेड है, कभी इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो इसे टेस्ट ज़रूर करना, लिटरली वर्थ है। यहाँ पे ट्रेन का खाना अच्छा, हमने सोचा इसे भी रिव्यू कर लिया जाए खड़गपुर से पहले, ताकि अगर ये ना अच्छा हो तो खड़गपुर से कुछ ना कुछ खाना हम लोग पिकअप कर सकें। तो चलिए जल्दी से टेस्ट किया जाए, बाकी एक्स्ट्रा चावल भी दे गए हैं, रोटी वगैरह इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। खैर दाल को तो बुरा नहीं कहूँगा, दाल का स्वाद काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ है कि इसको खा के रोटी की जो याद है वो ज़रूर आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा चावल तो दिए गए हैं लेकिन रोटी की जो कमी है ना वो यहाँ पर खल रही है। और मैंने सुना खड़गपुर में पूरी सब्जी वगैरह अच्छी मिलती है, और मैंने जब ट्रैवल किया तो मैंने कई बार देखा भी है वेंडर्स को बेचते हुए, तो सोच रहा हूँ वहाँ से उसे ट्राई कर ही लिया जाए, और रोटी अगर मिलती है तो वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल ये एवरेज सा है ट्रेन का खाना, अगर कोई ऑप्शन आपके पास ना हो ना तभी से लास्ट में आप चुनिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से खड़गपुर अराइवल पे। पहुंच के खड़गपुर रेलवे स्टेशन, एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, साथ साथ में आप लोग बता दूं इंडिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है खड़गपुर। और एक और मज़े की बात यह है कि धोनी जी जो कि पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, उनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने जब रेलवे में अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो यहीं से की थी। खड़गपुर से बहुत सारे मेन रूट्स गए हुए हैं, इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में भी आता है खड़गपुर, यहाँ से आप टाटा नगर होते हुए बिलासपुर नागपुर इन सभी लाइन के लिए जा सकते हैं। साथ साथ हावड़ा वाली लाइन पर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आगे जैसे जैसे रूट्स में डिवाइड होती है वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा ही। आ रहे हैं हम लोग चेन्नई विजयवाड़ा वाली लाइन से, जो कि आपने देखी वो भी एक बिजनेस लाइन है। खड़गपुर में आने के बाद खाने पीने की जो वैरायटी देखने को मिल रही है ना, अब उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोग के लिए चुन चुन करके हम लोग ट्राई करेंगे ताकि बता सकें कैसा है टेस्ट। 11:50 पे यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था, यानी 11:50 AM, और यहाँ पे 12:20 हम लोग पहुँचे हैं थोड़े से डिले के साथ। जल्दी से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली जाए और उनका रिव्यू किया जाए।
पे दो जनता मील ले लीजिए, एक और ले लो। और भी देखिए वैरायटी बहुत है। ये कितने की है भैया? 20 रुपए की। ले लो दो जनता मील। साउथ ईस्टर्न रेलवेज का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और IIT खड़गपुर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इस ट्रेन की भीड़ जो है वो भी काफ़ी गजब की है। स्लीपर क्लास में जो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं उनको मेरा हैट्स ऑफ, बहुत ही मेहनत का काम है इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना। गजब की भीड़ है इस गाड़ी में। ट्रेन के स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का रिव्यू कर रहे हैं, पर सच बता रहा हूँ लोग बहुत ही मुश्किल से मेहनत से इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इतनी लंबी दूरी। 15 मिनट रुकी लेकिन फील ही नहीं हुआ यार कब 15 मिनट जो है वो खत्म हो गए, और यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म खत्म हो गया और सामने वाला प्लेटफॉर्म देखिए अभी भी कंटिन्यू हुआ। खड़गपुर में बहुत सारे लोकल वेंडर्स ट्रेन में चढ़े हैं, तो लाल चाय भी मिल गई है जो मुझे काफ़ी पसंद है। NFR की गाड़ी में मिलती है, आज खड़गपुर की गाड़ी में भी मिली है। और अगर आपको लोकल वेंडर यहाँ पे कटलेट बेचते हुए दिखाई देना तो ज़रूर ट्राई करना। एक्सप्रेस की जर्नी के दौरान ट्राई किया था, बाकी फिलहाल लाल चाय तो काफ़ी स्वादिष्ट है। खड़गपुर से निकल भी चुके हैं, मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से आगे की जर्नी, क्योंकि बहुत सारे नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जनता मील का रिव्यू किया जाए, तो देख लो जनता मील जो होती है उसमें क्या क्या होता है। ये थोड़ी सी सब्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है और पूड़ी, इसी की मैं बात कर रहा था कि खड़गपुर की काफ़ी फेमस है, लेकिन मैदे की बनी है पूड़ी है, चलो टेस्ट कर लिया जाए कैसी है। दोस्तों ये है खड़गपुर का खाना जो हमने अभी जस्ट लिया है इसे रिव्यू करने के लिए। इसको चबाने में काफ़ी मेहनत लगेगी वैसे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रेलवे ने उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था, और बाकी मेरे से अगर कोई पूछे कि इसको खाना चाहिए नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे। जो पूड़ी की क्वालिटी है बहुत ही पुअर है देख लो आप, ठीक है। साथ ही सब्जी वगैरह भी बहुत बुरे ढंग से मिल रही है, स्वाद कुछ है नहीं, नमक कुछ है नहीं, मसाले कुछ है नहीं, बस काम चलाना है, पेट भरना है, उस पर्पज़ के लिए है। लेकिन इससे बेटर रहेगा कि आप कोई 40 रुपये की राइस ले लो, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी आपको खड़गपुर में मिल रही थी 50 रुपीज़ में। इनफैक्ट बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो 2 अंडे और आपको बिरयानी मिल रही थी, तो वो रिकमेंडेड है, ये नहीं। तो मिलता हूँ आप लोग से आने वाली जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें बाकी आपको दिखाने के लिए, और ऐसी चीज़ों को हम लोग रिव्यू एंड कवर करते रहेंगे। अब जो कुछ भी हो खाओ दिल खुश कर दो, हमने आम खड़ा है। इस चीज़ का इंतजार था ये जनता मील के बाद, तो जन्नत जैसी, चलो उसे ट्राई किया जाए। बार बार कह रहा था कि खड़गपुर की चाप आएगी तो ट्राई करूँगा, और एक्चुअली में मिल गई मुझे ट्रेन में, तो एक वेंडर आए थे, अब टेस्ट किया जाए इन चीज़ों को, देखते हैं कैसा है। खड़गपुर में कुछ तो अच्छा मिला, और ये है वेजिटेबल चॉप, ट्राई करते हैं इसको यार। पहली बार इतना बढ़िया सजा के कोई स्टेशन पे आलू चॉप, जो आलू चॉप नहीं है वेजिटेबल चॉप जो वो मिल रहा है, ट्राई करते हैं। कमाल यार, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। 30 रुपीज़ के हिसाब से कैसे हैं? 10 रुपये पीस, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, हाँ।
कितने का भैया? 30 रुपया एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है इसको देख के। भाई देखो यार, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि बंगाल के रसगुल्ले खाने नहीं मिलेंगे, ट्रेन नहीं रुक रही है और स्टेशन में ऑब्वियसली अच्छे नहीं मिलते हैं, तो लोकल वेंडर से एक हमने लिया है, देखते हैं स्वाद कैसा है। और रसगुल्ले खाने का मज़ा हाथ से ही है। टेन में 20 रेटिंग भाई, बहुत ही गजब है। कोलकाता शहर के अंदर है, 2:40 का अराइवल टाइम था, 2:44 हमारी ट्रेन दांकुनी जंक्शन पहुंची है। और जब हमारी ट्रेन एंट्री कर रही थी तभी पीछे से बहुत तेज़ रफ्तार में NJP शताब्दी ने, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी ने ओवरटेक किया। गर्मी बहुत ही भयंकर है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, दांकुनी से हम लोग बर्धमान तक जाएंगे हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में, उसके बाद कट जाएगा हमारा रूट और बर्धमान से निकल जाएंगे NJP वाली लाइन पर। देर से ट्रेन दांकुनी में खड़ी थी और गर्मी का हाल देख के श्रेयांश पूरी पेटी उठा लाया पानी की। हमारे पास पानी का जो स्टॉक है थोड़ा खत्म हो रहा था। गर्मी का हाल क्या भाई, जाओगे क्या? 36 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। लोकल वेंडर्स और बहुत सारी लोकल भीड़ है इस ट्रेन में यार। और एक और चीज़ है, आपको स्लीपर का टूर देखना है क्या? अभी वीडियो चलेगा, देखना भाई। मतलब जो स्लीपर में इसमें जर्नी कर लेगा ना, कैश प्राइस दे दो उसको। इतना स्ट्रगल है भाई, 6-6 पैसेंजर बैठे हुए हैं। RAC में भी इधर चार, 6-6, 6-6, और गाड़ी पूरी पैक है, पाँव रखने की जगह नहीं। अभी 326 हो रहा और अब जाकर अपनी ट्रेन दांकुनी से खुली है। बहुत अच्छा खासा हॉल्ट हो गया यहाँ पे। अब सीधा हम लोग बर्धमान जंक्शन जाकर रुकेंगे, जहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे रामपुर हटवाली लाइन की ओर। थर्टी का हमारा अराइवल टाइम था और एक घंटे का डिले हो चुका है बर्धमान जंक्शन आते आते। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची अपनी गाड़ी और दूसरी तरफ पूर्वा एक्सप्रेस भी खड़ी थी और शांति निकेतन एक्सप्रेस आपको डिपार्चर के टाइम पे मिली थी यहाँ पे। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं रामपुर हट मालदा वाली लाइन की ओर, और यहाँ से दिल्ली वाली लाइन जो कि आप कह सकते हो पटना होते हुए भी जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए भी जाती है, वो यहाँ से अलग हो जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्चर टाइम पे, चला जाए अंदर क्योंकि सिग्नल जो है प्रोसीड का हो चुका है। रामपुर हट और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ 5:30 का अपना अराइवल टाइम था और ट्रेन को यहाँ आने में 6:15 हो गया है। 45 मिनट्स का डिले यहाँ तक आते आते हो गया है और 2,806 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने यहाँ पे और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आता है रामपुर हट। और जो लोग यहाँ से कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में बहुत कमेंट आते हैं, सत्य भाई कभी रामपुर आओ, फरक्का आओ, तो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आज के हम लोग यहाँ पे, स्टेशन बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, छोटा सा
और यहाँ पे बारिश हुई है तो उसके तो अलग ही मज़े हैं। इसके हॉल्ट होने वाला है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, वो भी आपको दिखाएंगे, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के करीब में है। यहाँ पे स्टेशन में भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और अमरूद वगैरह भी है, चलिए वो भी ले लिया जाए। रामपुर हट में अभी भी बादल जो है वो गरज ही रहे हैं, और यहाँ पे अमरूद आ गए वो हमने ले लिए, तो भाई इसका सेवन किया जाएगा क्योंकि जर्नी के दौरान ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ से भी अपनी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है, और इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से दुमका जसीदीह के लिए लाइन गई हुई है, और हम लोग बढ़ने वाले हैं फरक्का वाली लाइन पे जो कि आगे चल के मालदा की ओर निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है चेंज हियर फॉर दुमका। बाकी रात काफ़ी हो चुकी है तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसे मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कवर करता रहूँगा। चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर और थोड़ा आराम किया जाए क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। मतलब 2AC वाला फील तो आ ही नहीं रहा है, गाड़ी इतनी ओवर पैक लग रही है, और जब से गाड़ी आई है खुर्दा रोड पार किया तब से 300-400 रुपए तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों में जा चुके हैं। पहुंच चुके हैं मालदा टाउन जो कि अपने मालदा के आमों के लिए मशहूर है। यहाँ से नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है वो शुरू होती है, 8-10 का अराइवल टाइम था, अच्छा खासा डिले हो चुका है, 10 मिनट ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकने वाली है। और मालदा टाउन बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, और यहाँ से हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत ही करीब, आपको दिखाऊंगा मैं मैप में, लेकिन उससे पहले कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली जाए। यहाँ पे मिठाई अवेलेबल है और वेज बिरयानी ये है ऑप्शन में, अंडा और चिकन दोनों ही ऑप्शन है, बस ऊपर से डाल देंगे उसमें। और चलिए इसको लेके अंदर चला जाए। राधिकापुर कोलकाता, PMD लोकोमोटिव के साथ आए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अब लग रहा है सच में कि हम लोग जैसे NFR एंटर कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर के कितना करीब हैं, और अभी हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे, पहले देख लीजिए चिकन नेक पे, और फिर उसके बाद असम की ओर बढ़ेंगे, तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मालदा टाउन बिल्कुल ही करीब है बांग्लादेश बॉर्डर से। यहाँ पे 9:10 पर अपनी ट्रेन निकल रही है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से, और भाई शाम काफ़ी खूबसूरत हो रखी है, और डिनर अपना इंतज़ार कर रहा है, जो अभी हमने मालदा टाउन से लिया उन सभी चीज़ों का रिव्यू करेंगे। और यहाँ हम लोगों ने लगभग 2,926 किलोमीटर्स की दूरी को तय कर लिया, अभी भी लगभग 1,200 से 1,300 यानी 1,200 किलोमीटर्स की दूरी ऑलमोस्ट बाकी है डिब्रूगढ़ पहुँचने में, कल रात 9 बजे तक पहुँचेंगे, 24 घंटे का सफ़र भी बाकी है, और नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना बाकी है। चलिए चलते हैं अंदर, पहले फूड रिव्यू किया जाए, बाकी बातें तो आपसे चलती रहेंगी। मालदा की बिरयानी जो हमने ली थी, और साथ में मिठाई वगैरह भी यहाँ पे है डिनर के लिए, और ये ट्रेन की थाली है, अब टेस्ट देखते हैं भाई किस चीज़ का ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मालदा की बिरयानी सबसे पहले, ₹70 की पड़ी, और उस हिसाब से तो स्वाद बढ़िया है। मैंने वेज बिरयानी ली थी, आपके पास नॉन वेज बिरयानी का भी ऑप्शन है। सच कहूँ तो फिलहाल मुझे ट्रेन की दाल ज़्यादा अच्छी लग रही है, और छोले और आलू की सब्ज़ी भी बहुत ही बढ़िया है ट्रेन की। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से इसका डिनर चूज़ कर सकते हो, बिरयानी भी कोई कम नहीं, लेकिन हाँ खाना मुझे ट्रेन का ज़्यादा अच्छा लगा है। और बाकी ओवरऑल बात की जाए तो रोटी की जो कमी है मिस हो रही, क्योंकि कल से मतलब हम लोग आज Day 3 पे हैं इस ट्रेन में, और इडली वड़ा यही सब चीज़ें खा रहे हैं, रोटी वगैरह मिली नहीं है। और स्वीट में तो वैसे काफ़ी कन्फ्यूजन था, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ले ली।
वही बात है, बंगाल में आए हैं तो स्वीट तो ऑब्वियसली टेस्टी मिलेगी, बहुत ही लाजवाब है। अब इन सभी चीज़ को फिनिश करता हूँ और अब सो जाए क्योंकि किशनगंज वगैरह काफ़ी लेट आने वाला है, NJP भी रात में आएगा। तो आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करता हूँ, हम लोग पूरा NFR कल एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत मज़ा आएगा। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों, मैं इन सभी चीज़ को फिनिश करके सोता हूँ। दोस्तों इस जर्नी का ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है, मैं मिलूंगा आप लोगों से इस जर्नी के आखिरी पार्ट में जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी अच्छे ढंग से डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो Insta ID है TheTrainGuru, जहां मैं अपनी जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। मिलेंगे जल्दी ही ऐसे और आने वाले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।